हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम लीना राजपूत एंड हेयर वी विल बी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारतीय संविधान की रचना में सबसे ज़्यादा प्रभावी था भारत सरकार अधिनियम 1935, और भारत सरकार का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है बहुत कुछ हद तक 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा में तो जो सदस्य नहीं थे वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बीएन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रगान सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, और श्रीमती सुचिता कृपलानी थी देश में कोई भी पहली महिला जो कि मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संविधान उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ये था अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था? कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो ये कहा था केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था।